तारांकन मोतिहारी बसेवरा के बीच ट्रेन पर पथराव की घटनाएं बनी। बापूधाम मोतिहारी बसेवरा स्टेशन के बीच ट्रेन पर पथराव जारी। सोमवार की रात सद्भावना एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी में यात्री गंभीर रूप से जख्मी। पिछले वर्ष भी हुई थी इस तरह की वारदातें। मोतिहारी हाल के दिनों में बापूधाम मोतिहारी बसेवरा स्टेशन के बीच ट्रेन पर पथराव की यह तीसरी घटना है। सोमवार की रात असामाजिक तत्वों ने सिंधिया गुमटी के समीप सद्भावना एक्सप्रेस पर पथराव किया, जिसमें सुगौली निवासी मनोज सोनी नामक यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इससे पहले 27 मार्च को आनंद विहार से बापूधाम मोतिहारी आने वाली गाड़ी संख्या 14010 डाउन चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस पर सेमरा स्टेशन के समीप असामाजिक तत्वों ने पथराव किया था, जिसमें ट्रेन के एक बोगी के एक खुर्की का कांच टूट कर चकनाचूर हो गया। गनीमत नहीं कि पत्थर किसी रेल यात्री को नहीं लगी। ट्रेन पर किए जा रहे पथराव के दौरान बोगी में बैठे यात्रियों ने बर्फ से नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। विज्ञापन: पिछले वर्ष 9 अक्टूबर को भी ट्रेन संख्या 15216 पर चला आज के समीप कराची का सोलह पत्थरबाजी की थी, जिससे कई रेल यात्री जख्मी हो गए थे। इस घटना एक यात्री पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा थाना के बतनी काला निवासी रसूल नक के पुत्र गुलाब आलम 25 का सर फट गया था, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले हमसफर एक्सप्रेस पर भी शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिसमें चोटिल यात्री का इलाज मोतिहारी स्टेशन स्थित अस्पताल में किया गया था।